याद है इनकी सरकार लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। भोपाल उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी फातिमा रसूल सिद्दीकी जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। फातिमा रसूल का मुकाबला कांग्रेस विधायक आरिफ अकील से है। फातिमा रसूल सिद्दीकी उत्तर विधानसभा से बीजेपी की एकमात्र मुस्लिम महिला प्रत्याशी हैं। फातिमा के समर्थन में महापौर आलोक शर्मा भी जनसंपर्क के दौरान उनके साथ हैं। महापौर ने जनता से फातिमा को उत्तर विधानसभा से जीत दिलाने की अपील की। आलोक शर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ अकील को जमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल में देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया है। देश में मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसका शहर जो भोपाल, पुराना भोपाल है, वहाँ की अपनी तहजीब है, वहाँ की अपनी संस्कृति है। वहाँ पे आज तक आज़ादी के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, ये इलेक्शन कांग्रेस ने विकास के मुद्दे पे नहीं लड़े। यहाँ का इलेक्शन कभी दलीय आधार पे नहीं हुआ। यहाँ का इलेक्शन हमेशा कांग्रेस ने हिंदू समाज और मुसलमान समाज के बीच में कराया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पर भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार महिला मुस्लिम प्रत्याशी को, फातिमा सिद्दीकी की बेटी को मैदान में उतारा है। देखिए, जनता का रिस्पांस कैसा है ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत ज्यादा ही मोहब्बत, मतलब मुझे तो इतना अंदाजा भी नहीं था। मुझे पता था कि मुझे बहुत मोहब्बत मिलेगी और मैं चुनाव जीतूंगी, इसीलिए मैं मैदान में उतरी, मगर इतनी मोहब्बत मिलेगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। फातिमा रसूल सिद्दीकी के पिता भी इस इलाके से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। फातिमा ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ की शिवराज सरकार ने सभी धर्म और जाति के लोगों के विकास के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और स्नेह उन्हें मिल रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।